हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रहा हूँ मैंगलोर का ट्रेडिशनल फूड स्वीट पोटैटो और नारियल का जूस। बहुत ही मज़ेदार खाना होता है ये, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप लोग मेरा ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। स्वीट पोटैटो है, इसको अच्छे से धोने का। अरे गाने बहुत सुन ले, धोने मिक्स करूँगा रे। थोड़ा सा नमक डालने का, आलू में जरूर कर चुके।
मैंने लकड़ी को आग लगाया है। ये स्वीट पोटैटो अच्छे से पकने दो, 10 मिनट पका तो काफ़ी होता है। इसे आग भी हो रहा है। देख अच्छे से उबाल रहा है। देखिए 10 मिनट हो गया, अभी देखिए पानी भी कम हो गया, अच्छे से पक गया है। मैंने एक स्टिक लिया है, इसे अंदर डाल के देखना पड़ेगा, अंदर गया तो पक गया करके मालूम पड़ेगा। देख तो ये पक गया है, अभी मैं चूल्हे से नीचे रखता हूँ इसको। मैंने एक अक्का था नारियल नहीं डालूँगा मैं इसमें, एक नारियल अच्छे से छानूंगा, एक आधा नारियल काफ़ी है हमको। इस नारियल को अच्छे से पीसना है। ये नारियल को मैंने पीसने के लिए डाला है, अभी ये पानी थोड़ा सा गर्म है, हम लोगों को कितना नारियल का जूस चाहिए डाल के अच्छे से पीसने का है। इस तरह पीस नारियल अच्छे से पीसा मैंने, और उसमें से देखिए जूस भी नारियल का जूस भी आने लगा है। अभी मैं एक बर्तन को एक कॉटन कपड़ा डालूँगा, कॉटन कपड़ा डाल के इस पीसे हुए नारियल को निकल के मैं इसमें डालूँगा। जूस थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल के पत्थर धो के पानी डाल सकते हैं। और पानी सब हो गया इसमें, पानी मैंने नारियल को पीस के डाल हुआ था वो हो गया। अभी अच्छे से जूस निकलने का नारियल का।
फिर उड़ गया माने जो स्वीट पोटैटो और नारियल का जूस भी रेडी हो गया खाने के लिए। बहुत ही अच्छा मज़ेदार खाना है ये। इधर मैंगलोर में तो ट्रेडिशनल खाना जैसा हम लोग खाते हैं, इसको सब बहुत पसंद करके खाते हैं इसको। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए।